जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टर सेट इन सी। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो कि बहुत ही ये वाला कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कैरेक्टर सेट इन सी। यानी हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर सेट सी लैंग्वेज में मिलते हैं जिनका यूज करके हम प्रोग्राम को बनाएंगे, प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कैरेक्टर सेट इन सी, यानी कैरेक्टर सेट क्या होते हैं हमारी सी लैंग्वेज में। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसमें कैरेक्टर सेट क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उन टाइप्स के बारे में भी पूरी डिटेल्स दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों व्हाट इज कैरेक्टर सेट इन सी। इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ कैरेक्टर सेट इज डिफाइंड अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूज टू राइट द सोर्स कोड। यानी कि कैरेक्टर सेट डिफाइन करता है कैरेक्टर का ऐसा सेट को, यानी कि हमारे कैरेक्टर के ऐसे ग्रुप को ये डिफाइन करता है जिनका यूज करके हम अपने सोर्स कोड को लिखते हैं, अपने सी प्रोग्रामिंग के कोड को लिखते हैं। यानी कि कैरेक्टर सेट कौन कौन से यूज कर सकते हैं वही डिफाइन करता है हमारा कैरेक्टर सेट। There are four types of character set in C programming language. हमारे पास C programming में, हमारी C language में चार तरह के character set बताए गए हैं जिनके बारे में हम discuss करते हैं। यानी कि इन चारों types को हम figure के माध्यम से कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं character set in C। Number one हमारा जो होता है alphabets, जितने भी alphabets होते हैं तो हमारे alphabets character set में आ जाते हैं। इसके बाद स्पेशल सिंबल, तो जितने भी हमारे सिंबल होते हैं, सिंबल टाइप्स के कैरेक्टर होते हैं वो हमारे सिंबल कैरेक्टर सेट में आ जाते हैं। इसके बाद वाइट स्पेस, जो थर्ड इसका टाइप्स है वाइट स्पेस, एंड फोर्थ टाइप्स में आ जाते हैं हमारे डिजिट जो 0 0 to 9 तक होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो अल्फ़ाबेट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर सेट की। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इन सी प्रोग्रामिंग अलाउ फॉर ऑल अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट इन इट्स प्रोग्राम्स। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हमें अलाउ करती है सभी अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर एंड लोअर केस यानी लोअर यानी कि स्मॉल लेटर्स अल्फ़ाबेट को, जो भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26 अल्फ़ाबेट, उन सभी को जो हमारी सी लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है। अपर केस में इस यानी कि कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड तक 26 कैरेक्टर आते हैं। इसके बाद लोअर केस अल्फ़ाबेट में स्मॉल ए एंड स्मॉल जेड यानी स्मॉल ए टू स्मॉल जेड तक यानी 26 कैरेक्टर आते हैं। बात करते हैं दोस्तों हमारे डिजिट्स कि हमारे कौन कौन से डिजिट्स में कैरेक्टर सेट आते हैं। कि द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी द सी प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स डिजिट्स फॉर बिल्डिंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस 0 to 9। तो हमारे जो 0 से 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे डिजिट्स कैरेक्टर सेट में आते हैं जिनका यूज हम अपने सी के प्रोग्राम को लिखने में कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स की। तो स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज इन सी प्रोग्रामिंग इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ह्यूज कैरेक्टर्स कैन ऑल्सो बी यूज डिफाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए प्रोग्राम इन वेटर वे। तो जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे ऐट द रेट, हैश टैग, डॉलर, प्लस, माइनस, स्लैश यानी कि जो हमारा डिवीजन के काम आता है, इसके बाद स्टार साइन जो होता है यह हमारे सब्सट्रैक्शंस के काम आता है, तो ये भी हमारे सी प्रोग्रामिंग में अलग अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग ऑपरेटर का रोल प्ले करते हैं जो हमारे कैरेक्टर सेट हैं। यानी कि स्पेशल कैरेक्टर सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने में, कि दो वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ना, प्लस करना, उनका एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, डिवीजन निकालना, तो इनको हम ये स्पेशल कैरेक्टर्स के थ्रू इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इजीली करवा सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ कैरेक्टर सेट है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस कैरेक्टर सेट इन सी द रिफर्स द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल स्पेस इन द सोर्स कोड। अगर हम अपने सोर्स कोड में हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस देना चाहते हैं तो हम वाइट स्पेस कैरेक्टर सेट का यूज करेंगे।
इसके अंतर्गत हमारा वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, टैब स्पेस, इसके बाद हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्पेस आते हैं। तो अगर हम अपने वाइट हॉरिजेंटल स्पेस लेना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली स्लैश एनटी यूज कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा तो प्रोग्राम में हमारे स्पेस भी एक तरह से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारे जो हमारी लाइब्रेरी होती है, सी की लाइब्रेरी है, उसमें दोस्तों हमारी जो स्पेस है, स्पेस कभी एक अलग मीन्स निकाला गया है, स्पेस कभी एक अलग महत्व है। तो इस तरह से हम कैरेक्टर सेट इन सी की 4 टाइप्स के बारे में आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।